बच्चों आपको बताना है कि ये फॉलोइंग आइटम्स कौन से हेड्स और सब हेड्स में शो किए जाएंगे ऑफ द बैलेंस शीट ठीक है वो लाइब्रेरी साइड के कौन से हेडिंग और कौन से सब हेडिंग में आएंगे या एसेट साइड के कौन से हेडिंग और सब हेडिंग्स में आएंगे तो जो सबसे पहला नाम है वो है करंट मेच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स तो ये जो करंट मेचोरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स है ये ऐसे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं जो विद इन वन ईयर अब पे होने वाले हैं ठीक है बच्चों अब क्योंकि वो विद इन करंट ईयर ही पे होने वाले हैं तो इनकी हेडिंग तो हो जाएगी बच्चों करंट लैबलिटी और जो सब हेडिंग होगी वो होगी शॉर्ट टर्म क्लियर बच्चों अगर नाम है फर्नीचर एंड फिक्स फर्नीचर एंड फिक्चर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं तो और एसेट में भी कौन से नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में जो है ये फर्दर होते हैं फिक्स एसेट्स के अंदर जिनको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं ठीक है फिक्स एसेट फर्द दो तरह की होती है टेंजेबल और इंटेंजिबल तो ये फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट्स याद रखेगा बच्चों बिकॉज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं तो हेडिंग हेडिंग होगी होगी नॉन करंट एसेट सब हैडिंग प्रोपर्टी, प्रोपर्टी, प्रोपर्ट एसेट सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिर आप टेंजिबल भी कह सकते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी प्रोविजन फॉर वारंटी जो होते हैं बच्चों वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं आपके लिए तो हेडिंग तो इनकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई ऐसे प्रोविजन जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं ठीक है तो हेडिंग तो हो गई नॉन करंट डाइबलिटी और सब हेडिंग हो गई लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्लियर बच्चों हेडिंग नॉन करंट और सब हेडिंग हो गई लॉन्ग टर्म प्रोविजन इनकम रिसीविंग एडवांस ऐसी इनकम जो आपने बिना अर्न करे रिसीव कर ली है तो ये आपके लिए होता है करंट लाइबिलिटी हेडिंग करंट लाइबिलिटी है और सब हेडिंग हो जाएगी अदर करंट लाइबलिटी क्लियर बच्चों उसके अलावा कैपिटल एडवांसेस ये कैपिटल एडवांसेस वो एडवांस हैं जो आपने दे रखे हैं आइदर फॉर एक्वायरिंग एजेंसी और करेंगे डीलरशिप तो ऐसे एडवांसेस जो होते हैं वो कैपिटल एडवांसेस होते हैं तो ये हमारे लिए एसेट की तरह होते हैं तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट इसकी हेडिंग होगी और सब हेडिंग होगी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्लियर बच्चों लास्ट वाला देखिए एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे एडवांस जो आपने दूसरों को दे रखे हैं और आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल भी जाएंगे तो यानी ये करंट एसेट है हमारे लिए क्योंकि दिए हुए एडवांस है ना कि लिए हुए एडवांस और हम ये एक साल के अंदर रिकवर हो जाएंगे इसलिए करंट एसेट में आए हैं और करंट एसेट में इनको अदर करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म लोन्स लोन एडवांस शो करेंगे बच्चों क्योंकि ये दिए हुए एडवांस है तो ये शॉर्ट टर्म शॉर्ट

करंट बचार्टी तो लॉन्ग टर्म बॉरिंग करंट लाइबिलिटी में आएगा और सबिटिंग होगी शॉर्ट टर्म बॉरिंग उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से सुन आया होगा यह है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑफ द सी बस सैम्पल पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इशूड बाय द सी बी एस बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड मैं हूँ आपका प्रवीण सर